और चलिए सीधे रुख करते हैं, एक और सीट का जिक्र कर लेते हैं, बात विदिशा सीट की भी कर लेते हैं, जहां आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया है। एक विशाल रोड शो भी उनकी ओर से किया गया। अब पूर्व मुख्यमंत्री से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सूरज शर्मा ने खास बातचीत की है। रायसेन में नामांकन उन्होंने भरा, क्या उन्होंने कहा, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्या दावे किए गए, आप भी सुनिए। हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं खासतौर से रायसेन में रोड शो हो चुका है, नामांकन भरा जा चुका है, उसके बाद भी जिस तरीके का जनसैलाब है, फिर से रोड शो किया जा रहा है, तमाम कार्यकर्ता मिलने पहुंच रहे। खुद हमारे पास पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, अपार जनसैलाब हम देख रहे हैं, जब आप आए थे तब भी, वापस जा रहे हैं तब भी। ये सैलाब नहीं, ये परिवार है मेरा, मेरे भाई, मेरे बहन, बुजुर्ग और भांजे भांजियां आज प्यार और आशीर्वाद देने आए थे। खासतौर से 5 बार आप सांसद भी रह चुके हैं इसी लोकसभा से, 18 साल मुख्यमंत्री, एक बार फिर से मौका मिला है सांसद के तौर पर, क्या लगता है जनता का स्नेह और प्यार इस बार किस तरीके से और बेहतर मिलेगा? मेरा सौभाग्य कि इस माटी की सेवा करने का फिर अवसर पार्टी ने दिया, विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र बनाएंगे और हर परिवार की तकलीफ खत्म करेंगे, दुख मैं पीऊंगा और जनता के हिस्से में सुख आए इसकी चिंता करूंगा। पूरे प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय सिंह भी एक तरफ मैदान में है, कमलनाथ है, आज वहाँ मतदान भी हो रहा है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं सद्भाव, समन्वय, सामंजस्य के साथ चुनाव लड़ूंगा और जनता का विश्वास जो है मेरे ऊपर रहेगा। अब वो क्या है ये जनता अच्छी तरह उनको पहचानती है, जब मुख्यमंत्री थे तब कैसे उन्होंने आपस में झगड़े कराए थे और प्रदेश का बंटाधार कर दिया था, उनकी बात पे मुझे कुछ नहीं कहना, आज मैं अपने परिवार में मस्त हूँ। सर, सांसद के तौर पर क्या आपके आपका विजन है कि अब जब आप सांसद बनेंगे तो विदिशा क्षेत्र के लिए करेंगे? विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र, 3 चीजें, देश की सेवा गिलहरी की तरह सांसद के रूप में, क्षेत्र का विकास और जनता का मैं सेवक हूँ, सेवा ही भगवान की पूजा है, जी भर के सेवा करूंगा। जनता ही उनकी भगवान है और जी भर के उनकी सेवा करना है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और हम देख रहे हैं किस तरीके से अभी भी जनसैलाब है और मैं भी अपने सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाए और दर्शकों को, कार्यकर्ता किस तरीके से यहाँ पर आदिवासी संस्कृति के साथ ढोल ताप पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही कह रहे हैं कि जनता भगवान है और मैं उनका सेवक। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, रायसेन।